क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। बंदा ने बहुत बदतमीज लहजे से हमसे व्यवहार किया तो हमने उसको धक्का दिए। ये चाहता था कि हम उससे कहां उसको अकेले मिलें। 6 लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया है, ये हमारी आंख पे मार लगी है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा देवी रोड के पास रहने वाले मोहम्मद सादिक उम्र 40 वर्षीय इनके साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इसका वीडियो जो CCTV फुटेज है वो भी सामने आया है। मोहम्मद सादिक ऑटो रिक्शा चलाते हैं। मुमरा से कलवा पारसिक बैंक के पास ऑटो रिक्शा स्टैंड तक मोहम्मद सादिक ऑटो रिक्शा चलाते हैं। मोहम्मद सादिक ने बताया कि उनके साथ मारपीट करने वाला भी रिक्शा चालक है। कलवा में रिक्शा आगे पीछे करने को लेकर मोहम्मद सादिक ने रिक्शा चालक रमजान शेख से रिक्शा थोड़ा सा आगे करने को कहा, जिस पर उनका विवाद हो गया। सादिक और ऑटो रिक्शा चालक असलम में काफ़ी बहस हुई। हालांकि सादिक ने असलम को धक्का दे दिया, मगर काफ़ी देर बाद सादिक ने असलम से माफ़ी भी मांग ली थी। एक चीज़ और आपको बता दें कि ये पूरी घटना 27 अक्टूबर को हुई थी। माफ़ी मांगने के बाद भी असलम ने फील्डिंग लगाकर सादिक को कलवा में ऑटो स्टैंड के पास करीब 6 लोगों ने मिलकर बेरहमी से सादिक की पिटाई की। इतना मारा गया सादिक को कि उनकी एक आंख फूटने से बच गई है। आंख के पास करीब 5 टांके लगे हैं, अभी आंख उनकी नहीं खुल रही है। CCTV फुटेज देखने से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी से ऑटो रिक्शा चालक सादिक की पिटाई की गई है। घटना के बाद सूचना पुलिस को दी गई और सादिक को उपचार के लिए कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती किया गया है। मोहम्मद सादिक ने बताया कि कलवा पुलिस ने उनकी शिकायत ली है और उन्हें कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया है। विवाद कैसे शुरू हुआ था? विवाद इस तरह से शुरू हुआ था कि कलवा में हमारा एक रिक्शा स्टैंड है कलवा मुमरा, जहाँ कलवा में भी लाइन लगती है, और उस जगह जहाँ लाइन लगती है वहाँ थोड़ा साहब लोगों का टेंशन रहता है क्योंकि जगह कंजेस्टेड है और हमारा स्टैंड में रिक्शा ज़्यादा है। तो कलवा में या मुमरा में? कलवा में। तो उस बंदे को हमने बोला गाड़ी आगे लेने के लिए, क्योंकि पीछे साहब लोग फाइन मार देते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। तो बंदा ने बहुत बदतमीज लहजे से हमसे व्यवहार किया तो हमने उसको धक्का दिए कि तुम्हारे पास ना लाइसेंस है ना बेज है, तो तुम हमें इस तरीके से, हम तुम्हारी उम्र दराज है। नाम मालूम है क्या उसका? उस बंदे का नाम रमजान शेख है शायद, कलवा का रहने वाला। वो बंदा रेती बंदर का रहने वाला है। तो उसको हमारा जो उससे पूछा गया, हमने जो लाइसेंस बेच कर शायद उसको नागवारा गुजरा या हमने उसको धक्का दिया, वो अच्छा नहीं लगा उसको। 2 बजे का तकरीबन ये 29 तारीख का मामला था कलवा में, दोपहर में 2 बजे का। बहरहाल उसको गलत लगा, हमने उससे बोला 27 तारीख को उसको गलत लगा। उनने हमके पास आके बोला कि तुमने गलत करे। मैंने बोला चलो ठीक है, तुमको अगर लगता तो गलत करे, हमने तो ठीक है, हम माफ़ी मांगते हैं। अब जब हमने उससे माफ़ी तलाफी कर लिया तो हम समझे मैटर ख़त्म हो गया। लेकिन वो दोपहर में 2 बजे से लेके रात के वो घटना 11 बजे तक अंजाम देने तक के वो हमारा पीछा करते रहा, और वो ये चाहता था कि हम उससे कहाँ उसको अकेले मिलें। और उसने जब हमारे साथ ये हादसा किया, उसके साथ 5 लोग और थे, टोटल ये लोग 6 लोग थे, और उसमें से एक रिक्शा ड्राइवर है जो 15 साल की उम्र होगी जिसकी, वो मुनीर करके है, दत्तवाड़ी में रहने वाला लड़का है, बच्चा है वो भी। वो हमें जानता था, अगर वो हमें बता देता कि आपके साथ ऐसा ऐसा हादसा होने वाला है तो शायद हम उस जगह नहीं जाते। ये हादसा होने के बाद हम शिवाजी हॉस्पिटल में गए। अच्छा, 6 लोगों ने आपको? 6 लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया है। और उसमें कहाँ कहाँ पे मार लगी हुई है आपको? ये हमारी आँख पे मार लगी है, आँख में 5 टाँके आए हैं और ये हमारी आँख खुल नहीं रही है अभी फिलहाल, तो तकलीफ ज़्यादा है, हमारे आँख से दिख नहीं रहा हम। और ये पीठ पर मार लगी है, पसली पे जो वीडियो में दिखाया गया है कि उन्होंने लात के लात से हमको मारा गया है, पट्टे लगा के हम चल रहे हैं। और शिवाजी हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ हमारा ट्रीटमेंट हुआ, हमारे
तो पुलिस आपके शिकायत ली है? कलवा पुलिस स्टेशन ने हमारी शिकायत ली है। मोहित साहब ने हमको आश्वासन दिए हैं, उनके जो नीचे PSI साहब हैं उन्होंने भी हमारी शिकायत ली, आश्वासन दिए कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे, आप उम्र दराज थे, आपके साथ ऐसा हादसा नहीं होना था, आपके साथ जो हुआ गलत हुआ है। प्रशासन से हम पकड़े गए क्या बोलो? अभी उनके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं? एफ आई आर लिए हैं। पहले एक सादे कागज़ के ऊपर लिख के दिए थे, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन हमको बुलाया, मोहित साहब ने बोले कि आपकी FIR पक्की होगी, कोई टेंशन मत लो। तो उनको उन्होंने हमको कल बुलाया था, कल हमको FIR की कापी दिया है, उनके ऊपर FIR गुना दाखिल करा है और कार्रवाई का हमको आश्वासन दिया है। और प्रशासन से हम यही विनती करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए उन पर कार्रवाई करी जाए।